गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे टू इन सिंगापुर, जो क्रूज चल रहा है हमारा गेंट्रिंग ड्रीम, वो भी कुछ ही देर में बस पहुंचने वाला है पेनांग आइलैंड में, जो कि है मलेशिया के अंदर। यहां पे करीबन 1-1.5 बजे के आसपास ये पहुंचेगा। उसके बाद हम डीमबाग होके वी हैव अराउंड 6 आवर्स, तो हम आसपास का जो लोकल एरिया है और साइट सींग है वो इसमें कर सकते हैं। तो उधर चुके हैं गेंट्रिंग ड्रीम से। ये पीछे शिप है जो कि बहुत ही मैसिव है। यहाँ पूरा डॉकयार्ड है पेनांग शहर का। दिस इज द गेंटिंग ड्रीम शिप, सच अ ह्यूज मशीन। सो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो टर्मिनल से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज हैं जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं घूमने के शहर को। सो पर आवर के पैकेजेस हैं, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। 9:30 बजे तक वापस क्रूज पे वापस जाना होता है। सो हमने 4 आवर्स का पैकेज लिया है एंड दैट इज़ कॉस्टिंग 200 रिंगिट फॉर अ 4 सीटर का। हम 5 जने हैं, बच्चा है, सो वी विल फिट इन, स्क्वीज करके बैठ जाएंगे। और फॉर द रेट कार्ड चेक दिस आउट। So Mr. George is driving us to different places in Penang and it will be a 4-hour ride, and first we are going to the museum. Upside down museum. Upside down museum. So if we like it, we will go inside, otherwise we will go to our next destination. So देखते हैं कैसा है ये पेनांग शहर का टूर। देखने में तो अच्छा सा लग रहा है। Looks like a small, a beautiful island. और बरसात हो रही है, बरसात को थोड़ा सा एंजॉय कर भी रहे हैं। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हो गई है। सो फार सो गुड। लाइक वी हैव, यू हैव पंजाबी सर एज वेल? या वी गॉट गुड गुरुद्वारा एज वेल। टू गुरुद्वारा, टू गुरुद्वारा, नाइस। कैन वी गुरुद्वारा देख लेना ना? कैन वी गो टू गुरुद्वारा एज वेल? सो ये बता रहे हैं पेनांग शहर में जो फर्स्ट है दैट इज मलई, सेकेंड इज चाइनीज, थर्ड आर द इंडियंस, एंड फोर्थ अदर मिक्स। Alright, so this is the population criteria and it's a very small island area near about like 20 kilometers? No, more than that. More than 30? One island? Uh-huh. I think around 100 kilometers. So that's a kind of a huge. So, but it's still looking very nice, raining. एंड अभी हम काफ़ी दिनों से गुरुद्वारा भी ढूंढ रहे थे, तो गुरुद्वारा भी जाएंगे। यहाँ पे 2 गुरुद्वारा हैं इस आइलैंड पे। तो पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहिब, यहाँ गुरुद्वारा रोड, जो कि जालान गुरुद्वारा बोलते हैं यहाँ के रोड्स को। वड्डा गुरुद्वारा। सो अभी गुरुद्वारे में जा रहे हैं।
पार्ट चल रहा है, यहाँ मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड एटिकेट टू व्लॉग इन गुरुद्वारा, बट मैं जस्ट थोड़ा सा कुछ बोलूँगा नहीं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगा कि कैसे क्या चल रहा है। तो मथा टेक लिया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है दूसरी कंट्री में गुरुद्वारे जाने में। दूसरी कंट्री के गुरुद्वारे जाने का एक अलग ही फील रहता है। रेगुलर में हमने शहर के अंदर तो गुरुद्वारे में जाते हैं, बट दूसरी कंट्री जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है सिख कम्युनिटी, वहाँ पे गुरुद्वारा मिलता है, अपने लोग मिलते हैं। अपने लोग खैर सारे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक जो जिससे हम बचपन से जुड़े हुए हैं वहाँ चीज़ आके बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से फ्री हो गए हैं, अब नीचे जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अब गुरुद्वारा साहिब से ट्रिप स्टार्ट हुई है पेनांग की, तो कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बताएंगे मिस्टर जॉर्ज। रिंगेज की टिकट है यहाँ पे, सो 17 रुपये से अपना हिसाब लगा लीजिएगा कितने का है इंडियन रुपीज़ में। तो 30 रिंगेज पर पर्सन फॉर बोथ वे ट्रांसफर्स, और अगर आपका बच्चे के साथ है जिसकी उम्र 12 साल से कम है सो इट विल बी 15 रिंगेज। तो चलिए टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर मेरे सामने है, लग तो अच्छा रहा है और होना भी चाहिए। लाइन में लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका है। प्रायोरिटी पास भी था इसमें अवेलेबल ऑप्शन, अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो यू कैन पुट अप सम मनी एंड डायरेक्टली हम जा सकते हैं VIP लाइन में। बट यहाँ पे कोई लंबी लाइन खास थी नहीं, तो हमने नॉर्मल पास ही लिया है एंड हार्डली 2 मिनट्स टू गो। ये टोटल राइड जो होगी ये 2 किलोमीटर की राइड होती है और इसमें टाइम लगता है करीबन 4.5 मिनट का। तो उसके बाद ऊपर पहुँच के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नियर बाई एरिया। ये मोनो रेल है जिसमें बैठ के हम सवारी करेंगे अभी। बहुत ही स्टीप इंक्लाइन है इसका जिसपे ये मोनो रेल जाएगी, और इस नज़ारे को मैं बोलने से बेटर दिखाने में विश्वास करूँगा। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा ये देखिए। Here is a quick look at the use of guns in the last 24 hours. Three police officers were shot and wounded in the space of an hour last night. A man was shot in broad daylight and subsequently seen limping away from the scene. They blinded by the sight of blood distributed.
welcome to heaven. Literally, जो व्यू है यहाँ से, oh my god, it's so amazing. मैं बता नहीं सकता, मतलब लिटरली ऐसा व्यू फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई एम सीइंग. मतलब जो ये जगह है, आई गारंटी यू दैट कैमरा इज नॉट डू जस्टिस हियर. आप देखो यार, बस देखो, ये देखो आप. Even the flesh in your tone change up. Young price that can never ever be touched. Scarecrows, TikTok triggers I clutch. Hoes all around me want they could be touched. Ain't learned yet that I'd rather do drugs. Hope.